107, a steamer goes downstream and cover the distance between two ports in 5 hours. अब देखो बच्चों, सबसे पहले स्टीमर वाले क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि सबसे पहले तो जो आपकी स्टीमर होती है, स्टीमर मतलब जो बोट होती है, सबसे पहले तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब जैसे कोई रुका हुआ पानी है ना तालाब में, ठीक, तो ये कोई रुका हुआ पानी है, मान लो चलता हुआ पानी नहीं, जैसे पॉन्ड होता है ना तालाब, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, तो जो रुका हुआ पानी होता है उसको स्टिल वाटर बोलते हैं, तो ये स्टिल वाटर है, ये क्या है, स्टिल वाटर। और हमेशा याद रखिए, स्टिल वाटर में आपके जो बोट की स्पीड होगी या आपकी जो स्टीमर बोलो, बोट बोलो, बात क्या है, लगभग सेम है, ठीक है बच्चों, तो स्टीमर की जो स्पीड होती है स्टिल वाटर में एक्स किलोमीटर पर आर, आप अज्यूम कर लीजिए, ठीक। सबसे पहला तो काम यही होता है क्या, कि लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर, ठीक है, स्टीमर या फिर बोट भी बोल सकते हो आप, स्टीमर या बोट इन स्टिल वाटर, इन लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, तो स्टिल वाटर में बोट या स्टीमर की स्पीड कितनी होती है, एक्स किलोमीटर पर आवर। इसके बाद क्या होता है, अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। देखिए बच्चों, अप स्ट्रीम क्या होता है, देखो या पहले डाउन स्ट्रीम देख लेते हैं, ठीक है। सो डाउन स्ट्रीम का केस क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर स्ट्रीम फ्लो कर रही है, स्ट्रीम मतलब जिधर पानी की धारा फ्लो कर रही है उधर ही आप बोट चला रहे हो। तो सपोज पानी ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ये ऐसे पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये टू पोर्ट्स हैं, मान लो पॉइंट ए है और ये पोर्ट बोलो पॉइंट ए से बी की तरफ, ये ऐसे, ठीक, तो ये स्ट्रीम जा रही है, ये स्ट्रीम जा रही है। और अगर आप अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको जो स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है वो 1 किलोमीटर पर आर है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, कह रहा है इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आर, है ना, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी है, 1 किलोमीटर पर आर है, ठीक, 1 किलोमीटर पर आर दिया भाई, येस, ठीक है बच्चों। नाउ अब देखो, डाउन स्ट्रीम का ये मतलब होता है जिधर स्ट्रीम फ्लो कर रही है ना बच्चों, उधर ही आप अपनी स्टीमर चला रहे हो, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ और आप भी स्टीमर ऐसे चला रहे हो, ठीक। तो अब आप खुद सोचो, आपके स्टीमर की स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। स्टिल वाटर में आपके स्टीमर की स्पीड कितनी थी, एक्स किलोमीटर पर आर, यहाँ पे स्टिल वाटर में ये आपका स्टीमर है और आपके स्टीमर की स्पीड कितनी थी, एक्स किलोमीटर पर आर। लेकिन बच्चों जब आप डाउन स्ट्रीम में चलाओगे, डाउन स्ट्रीम में चलाने का मतलब है पानी जिधर फ्लो कर रहा है उसी दिशा में, ठीक, तो पानी आपकी स्टीम को धक्का दे, स्टीमर को धक्का देगा भाई, ये जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, ठीक, तो ये आपके स्टीमर को धक्का देगा, है ना, ठीक है भाई, चलते हुए पानी में अगर आप ऐसा दौड़ लगा रहे हो पानी की दिशा में तो आप तो और तेज चलोगे, एक तो आप अपना फोर्स लगा रहे हो और पानी भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इस वजह से आपकी स्पीड हमेशा बढ़ जाती है, याद रखिएगा, ठीक। तो डाउन स्ट्रीम में ये आपकी बोट भी स्ट्रीम की दिशा में ऐसे करके जाएगी, ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा, स्पीड ऑफ स्टीमर इन डाउन स्ट्रीम ये कैसे निकालते हैं, हमेशा आपके बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, मतलब इसकी जो ओरिजिनल स्पीड है, ठीक है भाई, स्टीमर की ओरिजिनल स्पीड कहाँ मेजर करी जाएगी, स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में, जहाँ कोई धक्का बक्का ना लग रहा हो, तभी तो पता चलेगा ना बोट की ओरिजिनल स्पीड कितनी है। तो आपकी जो ओरिजिनल स्पीड है स्टीमर की, उसमें आप क्या करोगे, स्ट्रीम की स्पीड को जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे डाउन स्ट्रीम में, दोनों को ऐड कर दो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, स्टीमर की स्पीड स्टिल वाटर में और प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ये क्या है, आपके बोट की स्पीड है x, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, पानी जो फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड, दोनों को ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो अब आपके स्टीमर की स्पीड डाउन स्ट्रीम में x प्लस 1 किलोमीटर पर आर होगी, ठीक, ये हो गया। और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, ये पोर्ट ए है, ठीक, और यहाँ कहीं पोर्ट बी है, ठीक। देखो ए से बी, अभी आप पानी ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है, आप भी ए से बी की तरफ जा रहे हो, ठीक, लेकिन ये देखिए आप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट होता है कि जिधर पानी फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम ए से बी की तरफ जा रही है, ये स्ट्रीम है, लेकिन आप बी से ए की तरफ आओगे, यानी कि आपकी ये बोट है, स्टीमर है, और आप बी से ए की तरफ, यानी कि आप अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे। अब आप खुद सोचो, आप जब अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे बच्चों, ठीक, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर पर आर, ठीक, सुनो, जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, आप खुद सोचो पानी ऐसे फ्लो कर रहा है और आप अपनी स्टीमर ऐसे चला रहे हो, तो आपकी स्टीमर तेज थोड़ी ना चलेगी, धीरे हो जाएगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पानी आपको रोकेगा ना, आप पानी के चलने की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो पानी आपको रोकेगा, तो इस तरीके से आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो
आपके स्टीमर की स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि स्पीड ऑफ स्टीमर इन अपस्ट्रीम। यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको कैसे निकालना है, आपके स्टीमर की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना है। पिछली बार स्टीमर की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड करा था, इस बार क्या करेंगे, स्टीमर की स्पीड स्टिल वाटर में माइनस स्ट्रीम की स्पीड। गलती से 1 माइनस एक्स मत कर देना, एक्स माइनस 1 ही करोगे। क्यों सर, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। आपके स्टीमर की स्पीड बड़ी है भाई, आपके स्टीमर की स्पीड बड़ी है, एक्स है, आपके स्टीमर की स्पीड ज़्यादा है और पानी की कम है, तो बड़े में से छोटे को घटाओगे। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला हमारे स्टीमर की स्पीड ज़्यादा है। बच्चों एक बात बताओ, अगर स्टीमर की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी ना, तो आप पानी की अपोजिट डायरेक्शन में चल ही नहीं पाओगे। और अकॉर्डिंग टू द भाई, अगर आपकी स्पीड कम हो गई, आपके बोट का जो इंजन है, स्टीमर का इंजन है, फोर्स नहीं लगा पा रहा है, तब तो वो पानी तो ऐसे ढकेल देगा आपको, आप तो पीछे चले जाओगे, आपकी बोट चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो बी से ए की तरफ वापस जा रहा है अपस्ट्रीम में, पानी के चलने की दिशा के अपोजिट जा रहा है, यानी कि बोट क्या कर रही, पानी को अपोज कर रही है, बोट अच्छा फोर्स लगा रही है। इसका मतलब बोट की जो स्पीड है वो पानी की स्पीड से ज्यादा है, यानी कि एक्स बड़ा है और वन क्या है, छोटा है। एक्स क्या है, स्पीड ऑफ स्टीमर, वन क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक, तो बड़े में से छोटा हमेशा याद रखिएगा, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करेंगे अपस्ट्रीम में, गलत मत कर दीजिएगा। ठीक, तो एक्स माइनस वन किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हो गया। अब एक फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए, सभी बच्चों को पता भी होगा मेरे ख्याल से, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक, और यहां से अगर आप निकालोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, बाय टाइम जाके स्पीड में मल्टीप्लाई कर देगा। सो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे दोनों कंडीशंस में। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ स्टीमर गोज डाउनवर्ड एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 5 आवर्स। अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 5 आवर्स। जब स्टीमर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो टू पोर्ट्स, ये पोर्ट ए है और ये पोर्ट बी, पोर्ट ए और पोर्ट बी के बीच की दूरी को वो ऐसा करके जाता है स्ट्रीम की दिशा में, डाउन स्ट्रीम में। ठीक, और ये 5 आवर में कंप्लीट कर देता है, यानी कि ए से बी तक जाने का जो टाइम दिया हुआ है वहां, यहां पे कितना दिया है टाइम, कितना दिया हुआ है 5 आवर। अब एक बात बताओ बच्चों, टाइम पता है आपको और डाउन स्ट्रीम में स्टीमर की स्पीड पता है, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो? तो पोर्ट ए और पोर्ट बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, यानी कि डिस्टेंस ए बी। सो डिस्टेंस ए से बी के डिस्टेंस को हमने ए बी से दिखाया है। ठीक, तो ये जो ए बी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हो इसलिए स्पीड कौन सी लोगे, डाउन स्ट्रीम स्टिल वाटर वाली मत ले लेना। ठीक है, सो स्पीड कितनी है, एक्स प्लस वन। ठीक, तो स्पीड की जगह हमने x प्लस वन रखा इनटू टाइम, टाइम की जगह कितना रखोगे 5। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व क्या करना है इसको छोड़ दो। ठीक, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो बच्चों, फिर उसने आगे आपको कंडीशन दे रखी क्वेश्चन में, उसने क्या बोला, वाइल इट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ठीक, अप स्ट्रीम में वो सेम डिस्टेंस, भाई ऑब्वियसली ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वही तो बी से ए तक की होगी, यानी कि जब वो बी से ए की तरफ जाता है, यानी कि जब वो बी ए डिस्टेंस कवर करता है बी से ए की तरफ, तो उसको टाइम कितना लगता है अप स्ट्रीम में, उसको टाइम कितना लगता है 6 आवर्स। अब खुद सोच लो बच्चों, ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम में तो फटाफट चला जा रहा है क्योंकि स्पीड ज्यादा है, तो कम टाइम लगेगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, लेकिन अप स्ट्रीम में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों, उसकी स्पीड कम हो गई भाई बेचारे की, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, 6 आवर्स लग रहा है। कोई बात नहीं, अब हम एक काम करते हैं, बी से ए तक का डिस्टेंस फिर से निकाल लेते हैं। ठीक, सो डिस्टेंस बी ए इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक, सो स्पीड कितना है, एक्स माइनस वन है इंटू टाइम, टाइम कितना है, टाइम है आपका 6 आवर्स। ठीक, अब एक बात बताओ बच्चों, उन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऐसे करा चुका हूँ। उन्होंने पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर। ठीक, स्टीमर की स्पीड स्टिल वाटर में बतानी है, और मैंने आपको बताया क्या, स्टीमर की स्पीड स्टिल वाटर में हमने कितना माना है, एक्स, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक, अब देखिए एक्स की वैल्यू बताने के लिए आपको एक इक्वेशन यहां से बननी चाहिए, और वो इक्वेशन क्या होगी, सिंपल सा फंडा है, ध्यान से सुनो, जितना ए से बी तक का डिस्टेंस है उतना ही तो बी से ए तक का डिस्टेंस है। बच्चों ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी बी ए आपस में इक्वल होगा, और ए बी आपने निकाल के रखा है एक्स के टर्म्स में, कितना है एक्स प्लस वन इंटू फाइव, तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
x प्लस वन इंटू फाइव इज इक्वल्स टू, बी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी से ए तक का डिस्टेंस कितना है, x माइनस वन इंटू सिक्स, ठीक। सो बी से ए तक का डिस्टेंस x माइनस वन इंटू सिक्स, तो ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसमें आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, ये क्या है a से b का डिस्टेंस, ये भी क्या है a से b का ही डिस्टेंस है, b से a का डिस्टेंस, ठीक। तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन को अभी मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन मुझे क्योंकि थोड़ी सी जगह चाहिए तो आप लोग बच्चों इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। 5 इंटू एक्स, ये 5x में भी मल्टीप्लाई करेगा 1 में भी, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वन 5 इज इक्वल्स टू 6 इंटू वन सॉरी 6 इंटू एक्स 6x माइनस 6 इंटू वन 6, ठीक। नाउ अब क्या करेंगे, पहले माइनस 6 को इधर लेके आओ, तो 5x प्लस 5 और माइनस 6 लेफ्ट में आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6x, ठीक। नाउ प्लस 5x कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड, 5 प्लस 6 कितना होता है 11 इज इक्वल्स टू 6x, और ये 5x के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 5x, ठीक। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लेफ्ट में क्या बच गया, 11 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 5x 1x बाई 6 माइनस 5 1 1x, 1x का मतलब x, तो 6x माइनस 5x x, यानी कि x की वैल्यू 11 आ गई, यानी कि x इज इक्वल्स टू 11 क्या, किलोमीटर पर आर, क्योंकि स्पीड की यूनिट क्या दे रखी थी, किलोमीटर पर आर। तो इस तरीके से हम अपनी कॉपी में फाइनल आंसर क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर इज, ऐसे आप आंसर करोगे क्या, ये आंसर आप करोगे, द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर इज, x की वैल्यू कितनी थी 11, सो 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ नोट कर लीजिए।